Afser Bakary khas, Afser Bakary khas, Afser Bakary khas, Afser Bakary khas. Sattaj, अब क्या होगा? अबे होना क्या, हलवा खाएंगे और क्या? ओहो भाभी के कहने का मतलब ये है कि आपकी नौकरी का क्या होगा? शफी साहब ने तो आपको सस्पेंड कर दिए। ओ हाँ, मैं तो पिछले हफ्ते का सस्पेंड हो चुका हूँ। अब आप ये देखो कि मैं और ताहिर भट्ट एक साथ सस्पेंड हुए थे और वो मजे से अपने घर में सो रहा है। अच्छा है ना, अब पूरे का पूरा सवाब आप ही को मिलेगा। मान जाता तो 50% स्वाप में काम हो जाना था। हाय मैं मर गई। सर हमसे वैसे एक गलती हो गई है। आप क्या कह रही थी? सर हमें चाहिए था कि मिसेस जमील को बुलाते, वो बड़ी पहुंची हुई पीड़नी है। अगर वो खसूसी दुआ यहाँ आके करवाती तो सर आपका काम पलक झपकते ही हो जाता। आपका मतलब है कि ऐसे? सर नाजिया का मतलब है कि फौरन हो जाता। आपको याद है जब वो खुद सस्पेंड हुई थी तो उन्हीं से तावीज करवाया था। कमाल है, कहीं ये पीजनी एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क तो नहीं है? सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका काम गारंटी से होता है। आपको फौरन उनके पास जाना चाहिए। क्या नाम बताया था तुमने? मिसेस जमील। सर आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं आपको खुद लेके जाऊंगी, बकल्लम खुद। हाँ मुझे लेके जाना, मुझे अकेले बड़ा डर लगता है। मोहतरमा आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें पता दे दीजिए, हम खुद ही चले जाएंगे। लगता है शफका साहब की बीवी को अपने लिए भी कोई तावीज चाहिए। लो सर जी, दुआ तो हो गई है, अब हमें इजाजत दीजिए। यार ये रुमाल तो उतारा, तुमने रोटियां लेने जाना है। रोटी से याद आया, रोटी नहीं खानी। लो रोटी के लिए तो एक दुआ और मांगी जा सकती। अरे बेटा शफकत, माफ कर देना भाई, मेरे आने में देर हो गई। असल में वो एक अखबार वाले ने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आना था, वो कम वक्त आया ही नहीं। वो भी आपकी तरह कहीं मुफ्त रोटी खाने रुक गया होगा। शफकत कमाल करते हैं आप, मेरे अब्बा रेलवे के रिटायर ऑफिसर हैं, बीसियों लोग रोज उनके इंटरव्यू लेने आते हैं, ये को मजाक हो भला? अच्छा 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 अच्छा, तो ये जो छेद लेने बंद हो रही है वो यही करवा रहे हैं? मेरी वजह से बंद नहीं हुई। ये तो मेरी रिटायरमेंट के बाद फैसला हुआ है। सर जी आपने तो कहा था कि रोटी आने वाली है और अब यहाँ आप ट्रेनों की बातें कर रहे हैं। आ रही है रोटी, इस वक्त तुम्हारी तबीयत भी मेरे ससुर वाली हुई हुई है। जाओ। मैं जी एक मिनट में बस अभी खाना लगाती हूँ। हाँ बेटा जल्दी लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। वैसे चाचा जी हमें हसरत ही रही कि आप कभी अपने घर से भी रज्जे पूजे आए। बहुत जॉली हो तुम। ये खवातीन तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करती हैं? जी जी, और क्या, ये मेरे साथ चीनी सिक्का खेलती है। क्या खेलती है? चीनी सिक्का बैडमिंटन। हो क्या याद करा दिया भाई। मैं अपने जमाने में, कॉलेज के जमाने में चैंपियन हुआ करता था। ओ बड़े मेडल थे मेरे पास। अच्छा वैसे आपने खुशखुराकी में भी मेडल जीता होगा? खुशखुराकी में मेडल? वैसे इनकी सेहत से तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने खुशखुराकी में कोई मेडल लिया होगा। नहीं नहीं मिसाली, इन्हें देखने से नहीं लगता कि ये ज्यादा खाते हैं, बशर्ते कि वो रोटी इनके अपने घर में हो। लेकिन अलबत्ता यहाँ पूरी देख इंशाल्लाह दिखा जाएंगे। वो आपने सुने नहीं, मुंह चुई ते टिड खुई। शकुर बेटा तुमने मुझे कुछ कहा? नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा था आप आने की भी तकलीफ ना किया करें, हमें एक मिस कॉल कर दिया करें, हम आपकी रोटी घर पहुंचा देंगे। ओ भाई ये रोटी तो एक बहाना है, असल में तो तुम्हारी कंपनी एंजॉय करना होती है। लगता है मुझे ये कंपनी बंद करने पड़ेगी। मेरे ससुर मुझे गिते से ले गया यार। वैसे आप खुशकिस्मत है सर। शफकत साहब मुझे लगता है आप सस्पेंड नहीं हुए बल्कि प्रमोट हो गए हैं, जो हमें इतना खाना खिलाने लगे। ऐसी बात नहीं है मेरे को, माफ करना। दरअसल अंदर से मेरा दिल रो रहा है, ये तो मैं ऊपर ऊपर से वैसे ही हंस रहा हूँ, खुशियां मना रहा हूँ, मेरा अल्लाह जानता मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। आपने यहाँ से मुझे वो मिसेज जमील का एड्रेस बता के जाना है, मैं लाजमी वहां जाऊंगा, क्या पता उनके तावीज से मैं बाहर हो जाऊं। याद से देना इंशाल्लाह सर। जी चलो देख ली पहले चले। जी 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 जी, क्या इस कॉल के लिए पैसे नहीं? सॉरी मैडम, वेयर आर यू गोइंग? इसका मतलब है कि कहाँ जा रही हैं आप?
मैं जा रही हूँ, एक ये फॉरेन डोनर कंपनी है ना, उसके साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसके लिए। फॉरेन डोनर? अच्छा अच्छा, आप सीधे तरीके से क्यों नहीं कहते कि आप चंदा इकट्ठा करने जा रहे हैं? प्रिंसिपल, तुम्हें कितनी दफा मना किया कि तुम मेरे साथ ज्यादा ओवर मत हुआ करो, वरना इस छड़ी से ना मैं तुम्हारा दिमाग खोल दूंगी, समझे तुम? इस असियत के अलावा भी कुछ सोच लिया करे। और मैं की सोचा करा था बैठ के, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बैठ के पत्ते खेल रही होती हूँ ताश के? जी हाँ। व्हाट? मेरे कहने का मतलब ये था मैडम कि वो सना, तुम जाओ सेक्रेटरी के पास बैठो जाके। चलो शाबाश, चलो। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना, तो बीच में ये बात नहीं सुनते। चलो शाबाश, जाओ। मैडम देखिए, ये प्रिंस क्या कह रहा है। प्रिंस तेनु मैं किन्नी वारी किया कि सीधी तरह गाल किया कर नाइते। नहीं मैडम, पंजाबी च गाल ही ना कर देना, कहीं मैं खड़े खड़ोते यहां गड़ जाऊं। असल एक कोई बात नहीं, वो क्या कप में से मछियां पकड़ रही थी। माफी कीजिएगा, ये जो शफकत साहब है ना, मुझे शक है वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। नहीं, वो मेरे को लोकी लाना आएगा। यही तो बात है, वो आपसे मिलना समाजित करने आएगा कि हमें दोबारा बहाल करवा दिया जाए। मैडम आपने बहरहाल शर्माना है। क्या? मेरा मतलब है कि पहले आपने उनकी बात नहीं माननी, बाद में मान जाना है। उससे क्या होगा? मैडम उससे ये होगा कि उस महकमे में हमारी गुडविल बनेगी। ये जो हमारे शफी साहब के साथ जो ताल्लुकात खराब हुए हैं, उनकी नजर में आपकी गुडविल बनेगी और आप बेहतर हो जाएंगी। बात तुमने बड़ी अकलमंदी की। थैंक यू। शक्ल से तुम बिल्कुल हवनक लगते हो, लेकिन मशवरे कई दफा बिल्कुल सही थे। माय प्लेजर मैडम, लाइए मेरा इनाम दीजिए, 15 रुपए, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम, पूरे 15 रुपए। देखती हूँ है भी कि नहीं, पैसे यूजुअली होते नहीं है मेरे पास। 5 × 2 = 10। मैडम इसको तो अमरूद भी नहीं आता। तो मत खाओ ना अमरूद, तुम्हें किसने कहा अमरूद खाने? अमरूद इसलिए खाता हूँ, उसमें जो कीड़े निकलते हैं ना, वो बड़ा मजेदार, उसे वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं 15 रुपए दे के तुम्हारा रेट नहीं खराब करना चाहती। मैडम चले। हाँ। वैसे भी प्रिंस की बातों की वजह से बहुत लेट हो गए हम लोग। अच्छा, मेरी वजह से लेट होते तुम। अब ना मैडम, आप मिसेज जमील हैं? जी फरमाइए। नहीं फरमाना फरमाना क्या, हम दोनों मियाँ बीवी घूमने फिरने निकले थे, तो जो आपसे भी मिल ले। क्या मतलब है आपका? वो जी मैं बताती हूँ, हमें ना आपकी एक मुरीदनी ने आपके पास भेजा, हमें आपसे बहुत ज़रूरी काम है। क्या ज़रूरी काम है आपको? वो ना जी कुछ दिन पहले इनके बॉस ने इनको सस्पेंड कर दिया है, हालांकि ये बिल्कुल बेकसूर थे। हालांकि मेरा अल्लाह जानते मेरा कोई कसूर नहीं, फिर भी मेरी गर्दन फंस गई। आपको पता है यहाँ सीधे साधे लोगों की गर्दन पहले फंसती है। आपकी गर्दन भी मोटी है, इसीलिए आसानी से फंस गई होगी। अपना आप पार्ट टाइम दर्जियों का भी काम करती है? नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। अच्छा। वो जी आप कोई ना बस ऐसा तावीज कर दें कि इनको गले में पहनाते ही ना ये बस बहाल हो जाए। फिक्र ना करो, इतनी पत्तियां आज इनके घर में कमेटी निकलनी है। 3 दिन ये तावीज पानी में घोल कर पिला दो, काम हो जाएगा। अच्छा, अगर पानी के बजाय ये शरबत में घोल के पी लूं तब भी काम हो जाएगा? नहीं, तेरे पानी में ही पी लूंगा। आप जी बस ये काम कर दें, मैं आपकी इतनी खिदमत करूंगी, इतनी खिदमत करूंगी कि बस कुछ ना पूछे। ओए अल्लाह की बंदे, इतनी खिदमत अपने शौहर की करो, जन्नती हो जाओगी। ये तो ऐसी है जी, 2 दिन पहले मैंने देखा मेरी कमर में खारिश हो रही है, मुझे वो दे दिया घोड़ों को करने वाला खरकना, तेरी से कर लो। बताएं पैसों की क्या जरूरत थी, 100 रुपया दे देना। शफकत कहीं तो खामोश रहा करें। नहीं, मैं इब्ने मा तकद्दम के तौर पे कह रहा हूँ, अगर काम ना हो 400 बच जाएंगे, तुम्हारे अब्बा की रोटी आ जाएगी। बड़ी चुप्पी है मेरे अब्बा की रोटी। चलो चलो। अच्छा जी, अच्छा नहीं, वो कह रही नहीं बैठो, अभी चाय पी के जाओ। वो कह रही चले यहाँ पर। ज्यादा समय, वो कह रही बारिश होने वाली है, अभी यहीं बैठो। वो कह रही है दफा होते हैं अभी यहाँ से। नहीं, ये बची खाना है, उधर जाना है। हेलो, हाँ जिदे, ओ कैसी गुजर रही है, क्या हाल है तेरा? ओ यार, तू तो कनाडा जैसे ठंडे मुल्क में मजे कर रहा है ना, यहाँ गर्मी में लोड शेडिंग बुरा हाल है यहाँ।
यार कनाडा आना इतना आसान तो नहीं है ना। हेलो, हाँ देखिए, हेलो, ये मैंने पूछना ये था आपसे कि वो ब्लड प्रेशर चेक करने का वो जो आला होता है वो है आपके पास? आप नीला गोबर से बोल रहे हैं ना? अरे हेलो, सॉरी गलत नंबर मिल गया। अरे शफकत, आज तुम जल्दी आ गए भाई, आओ 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 बैठो। चाचा जी, बात बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता लग गया कि मेरी गैर मौजूदगी में आप कनाडा फोन का कर रहे थे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो नीला गुंबद। ओहो, क्या हो गया शफकत, आप कनाडा बात करें या हमसाये में, एक ही रेट पड़ता है। अरे तुम ये बताओ कि वो पीरनी से तुम्हारी मुलाकात हुई कि नहीं? हो गई है, वो कहती है जब तक आप इस घर में रोटी खाना पानी ना कहेंगे मेरा कोई मतलब हल नहीं होना। शफकत, आप क्यों हर वक्त मेरे अब्बा जी की रोटी के पीछे पड़े रहते हैं? वो अभी तो हमारे घर की रोटी के पीछे पड़े हैं। अच्छा अब्बा जी, पीवी से हमारी मुलाकात हुई है, उसने एक तावीज दिया है। अच्छा। वो कहती है 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला काम हो जाएगा। कहीं काम तमाम ही ना हो जाए। अरे बेटा, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। शकीला बेटी, एक कप चाय पिला दो। आज मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं जी, थकना तो था ही, 2.25 किलो गोश्त खाया, थकावट तो होनी थी। आप बैठे अब्बा जी, मैं चाय बना कर लाती हूं। ला लो। बात सुनो, सिर्फ चाय लाना, खाली चाय का, अगर कुछ लाना है तो थोड़ा सा जमाल घोटा डाल दो उसमें। ओए अपना गरीब आदमी। जी सर। मेरे लिए सरदर्द की गोली और कड़क सी चाय लेके आओ। सर आपका सर ना दबा दो। जितना मैं कहता हूँ ना उतना काम किया करो, उससे ज्यादा ना किया करो। जी बेहतर सर। चलो शाबाश। ओके सर। सर वो मिस साइमा के दफ्तर से प्रिंस आया है, आपसे मिलना चाहता है। मिस साइमा के दफ्तर से? हाँ भेजो उसे, भेजो। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम शरीफ साहब, कैसे मिजाज आपके? एक तो लफ्ज मिजाज नहीं होता, मिजाज होता है। जी जी। मजाज जो होता है वो मजाजी खुदा होता है जो तुम सारी जिंदगी नहीं बन सकते। और दूसरा, मैंने अभी तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा क्योंकि मैंने अपने दफ्तर में तुम्हारा दाखला बंद किया। सर मुझे मालूम है, लेकिन ये जो आपने मुझे अंदर बुलाया है, यकीनन कोई ना कोई मुझ में अट्रैक्शन तो है ना सर? तुम में अट्रैक्शन नहीं है, तुम्हें रिपल्शन है, और ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम एक जाहिल आदमी हो। लिहाजा काम की बात करो, क्या है? सर काम की बात ये थी कि मुझे मुबलिक 10,000 रुपया दरकार है, अगली शबरात को वापस कर दूंगा सर। इज्जत माफ जनाब प्रिंस साहब को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। जी सर। इतने सारे पैसों को क्या करोगे? क्या मकान पक्का कराना? देखिए सर, अगर आपके पास नहीं है तो वैसे इनकार कर दें, गुस्सा नहीं करना, ना मुझे मारना, वरना मैं मैडम से आपकी शिकायत कर दूंगा। अपनी ये शक्ल यहाँ से फौरन गुम करो, मेरे सर में पहले दर्द हो रहा है, निकलो बाहर वरना स्टाफ को बुलवाकर अभी धक्के दिलवाता हूँ। अगर 10,000 नहीं है तो 1,000 रुपए दे दीजिए सर। नजीर 500 दे दीजिए सर। सर 50 रुपए दे। जी सर। नजीर मियां साहब बुला लिया। जी सर। जी सर के बच्चे, जिसको धक्के मारने के लिए बुलाया था वो तो तुम्हारे पास से सादा निकल गया, जाओ जाके धक्के मारो उसे। 10,000 रुपए, मैं स्टॉक एक्सचेंज में बैठा हुआ हूं, क्या समझ लिया इन्होंने मुझे? शफकत साहब, एक्चुअली मैं आपके पास ये कहने आया था, हाँ मैंने यकीन करे मैंने आपके दफ्तर में रेत नहीं कराई, ये सब किया धरा उस ताहे बच के था। रहने दो शफकत साहब, मैं आपकी बात का यकीन कैसे कर सकती हूँ, आप दोनों हमेशा रल मिल के काम करते हैं। मेरा मतलब है कि साथ इकट्ठे होके। नहीं, इकट्ठे तो हम सिर्फ सर्दियों में होते हैं ठंड से। देखिए ये जो है ना ताहे बट, वो तो खुद अब आराम से सस्पेंड होके घर लापरवाही से बैठा है, उसके तो बाप के मुरब्बे हैं, उसे फिक्र नहीं है। नहीं तो आपके बाप के मुरब्बे नहीं है? मेरे बाप के पास तो आम का अचार डालने के पैसे नहीं है, मुरब्बे कहाँ से आने, हम बड़े गरीब लोग हैं। आप तो नहीं है वो आपके ऑफिस में जिसको सब कहते हैं गरीब आदमी, गरीब आदमी? नहीं नहीं, मैं सिर्फ गरीब हूँ, आदमी नहीं हूँ। और अल्लाह बख्शे, मेरे दादा कहा करते थे, हम लोग इतने गरीब हुआ करते थे कि अगर कभी हमारे घर में चोर घुस आता था ना तो हमें उसको भगाने के लिए कुत्ते की जगह खुद भौंकना पड़ता था। आपके दादा का नाम कहीं मार्क ट्वेन तो नहीं था? नहीं नहीं, उनका नाम तो मौलाबाग मिस्त्री था। मिस्त्री? नहीं मिस्त्री नहीं, मिस्त्री मिस,
वो चनों के ऊपर तरी नहीं होती, तरी मिस तरी। ठीक है ठीक है, ऐ भी ठीक है। आप देखें, आपको मेरा ये काम करवाना पड़ेगा, वरना वरना क्या शफकत साहब, वरना मैं आपके पाँव पकड़ लूंगा। बड़े आप आदमी, बैठ जाए शफकत साहब, ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपका काम करवा दूंगी, पक्का पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके, फिर अभी चले कहाँ? शफी साहब के पास, ताकि जाके वो मुझे दोबारा अपनी जॉब पे बहाल कर दे। अभी इस वक्त नहीं, देखिए ना इस वक्त चलना है। नहीं, अगर इस वक्त ना गए आज तो वो मुझे चार्ज शीट कर देंगे। क्या कर देंगे? चार्ज शीट, वो नहीं होता जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं और एग्जाम में शीट मिलती है। हाँ, समझ में आ गई। चलें आफ्टर शेव। क्या? आफ्टर यू। थैंक यू सो मच। खाने को कुछ नहीं रखा, चिकन मजा आ जाता। अच्छा, मैं बाद में करता हूँ। तुम, तुम्हारी जुरत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने तुम्हें सस्पेंड किया हुआ है। I'm not all alone. I'm with madam sir. Sir, क्या हो गया? उनको सच जान भी दे रहे हो? सरमा जी, आप इतने हैरान क्यों रहे? आप तो इतना हैरान हो रहे जैसे मैं पहली दफा आपके दफ्तर आई हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सरमा जी, आप पिछली दफा कुछ नाराज होके गई थी ना, तो मैंने सोचा शायद। शफी साहब रहने दे, मैं कोई बात भी दिल में नहीं रखती और आप भी ना रखें। आप ही काम करें, बेचारे शफकत साहब को ना बहाल कर दे, माफ कर दे प्लीज। क्यों है? तुमने क्या घोल के पिला दिया इनको कि मैडम खुद आ गई तुम्हारी सिफारिश करने के लिए? तावीज़। क्या? मेरा मतलब है, मैंने मैडम को कुछ तावीज़ नहीं पिलाया, ये तो खुद उनके दिल में मेरे लिए रहम आ गया और वो मेरे साथ चली आई है। क्या कहती हैं आप, ठीक है? चलो, क्या याद करेगा, किसी रईस से पाला पड़ा था। कौन है वो? मैं वो मिलवाऊंगा तुमसे। अभी तुम शौकत के पास जाओ जी, और अपनी बहाली के ऑर्डर ले लो। हे खुदा की कसम, अल्लाह की कसम।